स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कम्युनिकेशन देखा था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखा था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। आज हम लोग नया कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखो सैटेलाइट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी बॉडी, ऐसी फिजिकल बॉडी जो किसी सेलेस्टियल बॉडी के सराउंडिंग में घूमती है, बराबर है। तो सैटेलाइट को हम लोग अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे कि सैटेलाइट इज अ फिजिकल बॉडी, इट इज सम फिजिकल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड एनी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब सैटेलाइट जो होता है इसके यूजेस बहुत सारे हैं, ठीक है ना। सैटेलाइट जो हम लोग अभी देखते हैं स्टडीज में, उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग में, जमीन के अंदर के रिसोर्सेज फाइंड आउट करने के लिए, स्टार्स प्लैनेट्स स्टडी करने के लिए, ऐसे काफ़ी जगह पे जो है ये सैटेलाइट्स का यूज होता है। लेकिन सैटेलाइट का यूज जब कम्युनिकेशन पर्पस के लिए होता है तो हम लोग उसको रिले स्टेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? रिले स्टेशन। सैटेलाइट इज यूज एज अ कम्युनिकेशन पर्पस, इट इज नोन एज अ रिले स्टेशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सैटेलाइट को हम लोग रिले स्टेशन के लिए कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो रिले स्टेशन के लिए हमको क्या लगेगा, हमको रिले स्टेशन बनाना है मतलब क्या करना है, तो हमको एक स्टेशन से इंफॉर्मेशन दूसरे स्टेशन पे जाके सेंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या लगेंगे, दो स्टेशन लगेंगे अर्थ के कर्वेचर पे, ठीक है। जो स्टेशन से हम लोग इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे उसको बोलेंगे ट्रांसमिटिंग स्टेशन, और जो स्टेशन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा उसको बोलेंगे रिसीविंग स्टेशन। तो रिले स्टेशन के लिए हमारे पास दो स्टेशन होना जरूरी है, एक इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए और दूसरा इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, ठीक है। जो जहाँ से इंफॉर्मेशन देखो ये अपना हमारा ट्रांसमिटिंग स्टेशन हो गया, यहाँ से हम लोग इंफॉर्मेशन सैटेलाइट की तरफ भेजेंगे। तो जो सिग्नल्स हम लोग ट्रांसमिटिंग स्टेशन से जहाँ सैटेलाइट के पास भेजते हैं उनको बोलते हैं अपलिंक। सो क्या बोलते हैं? अपलिंक। मतलब क्या, जो सिग्नल जमीन के स्टेशन से कहाँ सेंड होते हैं, सैटेलाइट के पास सेंड होते हैं, और उसकी फ्रिक्वेंसी फिक्स होती है, वो होती है 6 गीगाहर्ट्ज़। जो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स हम लोग यहाँ से सैटेलाइट की तरफ भेजते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज़ होती है, और उनको क्या बोलते हैं? अपलिंक बोलते हैं। फिर यहाँ पे जाने के बाद यहाँ जो भी प्रोसेस होनी है वो यहाँ पे होती है, उसके बाद यहाँ से फिर रिसीविंग स्टेशन पे आके जो है सिग्नल्स रिसीव होती है। ये रिसीविंग स्टेशन का काम रहता है सिग्नल्स को रिसीव करो, जो सिग्नल्स यहाँ पे सैटेलाइट ने भेजे हुए हैं उनको रिसीव करो, ठीक है। अब ये रिसीव जो होते हैं सिग्नल्स उनको डाउनलिंक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डाउनलिंक बोलते हैं, ठीक है। अब ये डाउनलिंक जो होती है, जो आते हैं सिग्नल जमीन पे सैटेलाइट से, उनकी भी फ्रिक्वेंसी फिक्स्ड होती है, वो होती है 4 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। जिनको डाउनलिंक बोलते हैं हम लोग उनकी फ्रिक्वेंसी होती है 4 गीगाहर्ट्ज़, जो रिसीविंग एंटीना क्या करता है, रिसीव करता है। अब देखो जाने वाले सिग्नल जो है वो 6 गीगाहर्ट्ज़ के हैं और आने वाले सिग्नल जो है वो 4 गीगाहर्ट्ज़ के हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपलिंक एंड डाउनलिंक, मतलब हमने तो 6 गीगाहर्ट्ज़ का भेजा, फिर 4 गीगाहर्ट्ज़ का कैसे आ गया। तो यहाँ पे जो होता है सैटेलाइट, ये सैटेलाइट में सिग्नल को सेंड करने के लेने के लिए और सिग्नल को सेंड करने के लिए एक ही एंटीना होता है जिसको ट्रांस रिसीवर बोलते हैं। फिर वो जो एंटीना होता है वो सेम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल लेता लेना और उसको इतने ही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल नीचे नहीं छोड़ सकता है, ठीक है। इसीलिए अपलिंक और डाउनलिंक में क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर रिसीविंग स्टेशन क्या करेगा, यहाँ से जो है सिग्नल्स को रिसीव करेगा और फिर यहाँ से रिसीविंग स्टेशन से जहाँ उनको सेंड करना है, जहाँ उनकी कंट्रोल रूम होती है वहाँ पे सिग्नल जाके फिर वहाँ से अलग अलग पर्पजेस के लिए ये जो है सिग्नल्स यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये सैटेलाइट जो होता है ये हम लोग एज अ रिले स्टेशन करके यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, बोर्ड एग्जाम में ये 4 मार्क के लिए आता है, ठीक है। 3 मार्क के लिए आता है। तो 3 मार्क के लिए हमको क्या क्या पॉइंट जो है वो कवर करने हैं, तो रिले स्टेशन में एक ट्रांसमिटिंग एंटीना रहता है, एक रिसीविंग एंटीना रहेगा, उसके बाद यहाँ से सिग्नल जो ऊपर जाएंगे उनको अपलिंक बोलते हैं, और जो कि
6 गीगाहर्ट्ज का रहेगा, और यहाँ से सिग्नल जो आएंगे नीचे जिनको हम लोग डाउनलिंक बोलेंगे वो 4 गीगाहर्ट्ज का रहेगा, और यहाँ से फिर प्रोसेस होगा। तो ये हो गया सैटेलाइट एज अ रिले स्टेशन, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सर्किट क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट 3 मार्क के लिए,